सुनो भाइयों, सुनो बहनों, बड़े सुनो और छोटे भी सुनो। बात पते की बानो, बात पते की, बात पते की। प्रदूषण का काला साया है मनराया। क्या आज हमें ये निकलने आया? प्रदूषण को भगाना है मैं हूँ प्रदूषण, आ गया हूँ तुमको तबाह और बर्बाद करने, मृत्यु तुम्हारी, खा जाऊंगा तुमको। मैं हूँ जल, मैंने सबकी प्यास बुझाई। मैं हूँ वायु, मैंने सबको ऑक्सीजन दिया है और उन्हें जीवित रखा। और मैं हूँ पृथ्वी, मैंने तो सबको रहने और चलने की जगह दी है। आखिर हमारी गलती क्या है, ऐसी हमसे क्या भूल हो गई? ना ही तुम्हारी कोई गलती है, ना ही तुमसे भूल हुई है। इसका तो एक ही कारण है, वो है मनुष्य, जो रात दिन पेड़ों को काट रहा है और उन्हें तबाह कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। देखो देखो, धर्म की दुहाई देते इन्हें पानी में डाला, नदियों को प्रदूषित कर डाला और जीवों को भी मार डाला। मैं हूँ प्रदूषण, खा जाऊंगा तुमको। हा हा हा। देखो देखो, लाल बत्ती जलने के बाद भी गाड़ी बंद नहीं करे, यही कारण है प्रदूषित करने का। हेलो श्रीमान, वाहन चलाते हो, जहरीले धुएं को और बढ़ाते हो। समझता है पूछकर, स्वयं को बुद्धिमान मानता है, परिणामों की परवाह ना कर धरती के चारों ओर कचरा फैलाता है। देखो देखो, कैसा रंग ये लाया, सर्दी खांसी अस्थमा दोनों में साथ लाया। हल्ला बोल जीवन अनमोल, हल्ला बोल जीवन अनमोल, हल्ला बोल जीवन अनमोल। अरे कैसा खांस रहा है और कैसा तड़प रहा है। एक बात बताऊं? हाँ जी। सबको समझाऊं? हाँ जी। पर्यावरण बचाओ? हाँ जी। जागरूकता लाए? हाँ जी। एक व्यक्ति एक पेड़, यही हमारा नारा होगा, यही हमारा संकल्प होगा। नदियों में ना कूड़ा डालेंगे, ना कचरा डालेंगे, ना ही मूर्तियां विसर्जित करेंगे। हम सबको यही समझाएंगे कि घर में मूर्तियां विसर्जित की जाए। जगह जगह ना लगाए कूड़ादान, कचरे को ना बनाए अपनी पहचान। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, यही हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण बचाना है, हरित क्रांति लाना है। पर्यावरण बचाना है, हरित क्रांति लाना है। आइए आज सब हम मिलकर शपथ लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपने जीवन में, अपने जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगी, बदलाव लाऊंगी। मैं यह भी वचन देती हूँ, मैं यह भी वचन देती हूँ कि अपने परिवार, अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को, और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल आदतों, आदतों और व्यवहारों के, और व्यवहारों के विषय के, विषय के पर्यावरण को बचाकर ही, पर्यावरण को बचाकर ही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उनकी अमानत एक प्रदूषण मुक्त संसार।